बोलो। किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों आज हम आपको धनिये के फार्म हाउस पर लेकर के चलते हैं। हमारे साथ हमारे मित्र अच्छे किसान, बार बार हमने आपको वीडियो के माध्यम से बताया, खड़े से हैं जो मनोज शर्मा जी, तो उनके यहाँ बहुत अच्छी खेती होती है, कई बार हमने बताया। तो आज हम आपको धनिये की खेती के विषय में कुछ जानकारी देंगे। तो किसान भाइयों आप देख रहे हो कि हम वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं, हमारा किसान काफ़ी समय से खेती कर रहा है और आज परिस्थितियाँ जब विपरीत हो जाती हैं तो कई प्रकार का नुकसान उठाना पड़ता है किसान को। तो किसान को एक अनुभव और सीख मिलनी चाहिए कि अब समय अनुसार कौन सी खेती की जाए। आज आप देख रहे हो कि किसानों ने मसूर की खेती लगाई थी और सभी क्षेत्रों में हमारे में लगभग मसूरों में एक अटैक जैसी स्थिति बन चुकी है, मसूर 50% रोगित होकर उसका उत्पादन कम हो गया। तो आज कई वर्षों से हमारे यहाँ धनिया की खेती का एक शुरुआत हुई है, तो हमारे पंडित जी ने बहुत अच्छी खेती जो धनिया की आप देख रहे हो, तो इसके विषय में पंडित जी हमको बताएंगे। इसमें रोग भी कम आते हैं, इसका उत्पादन भी अच्छा होता है और इसके रेट भी किसान भाई अच्छे होते हैं। तो किसान भाई ऐसी फसलों का फसलें लगाएं जो किसान को फायदा मिले और लागत कम हो, इसके लिए हम आपको वीडियो के माध्यम से समय समय पर बताते रहते हैं। किसान भाइयों हमारी वीडियो को ज़रूर देखें और नई नई फसलों के विषय में जानकारी मिले आपको, सीखें आप लोग और उसके माध्यम से आप अपनी खेती को आगे बढ़ाएं और उसको फायदे का धंधा बनाएं। तो पंडित जी महाराज नमस्कार, गुरुदेव नमस्कार। तो भगवान आपके खेत पर आकर के हमको बहुत अच्छा लगा और आपकी जो धनिये की बहुत अच्छी शानदार खेती है, और मैं तो सबसे पहले आपको धन्यवाद दूंगा कि आप एक शिक्षक होते हुए फिर भी आप इतनी अच्छी खेती कर रहे हो, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है आपके आने में और आपकी खेती देख करके मैं प्रसन्न होता हूँ और खास सभी जगह सभी किसानों को मैं आपकी खेती के विषय में बताता हूँ। तो पंडित जी ये धनिये की खेती है, इसमें कितना बीज डलता है आपसे ये पूछना चाह रहे हैं, इसको कब बोई जाती है और इसका उत्पादन अपन कम आने अन्य फसलों की अपेक्षा? तो पंखा व्यवसाय है, धनिये की खेती अच्छी है, थोड़ी रिक्स वाली खेती है, ऐसा कोई बात नहीं, बीज इसमें कम डलता है, 9 से 10 किलो बीज डाला है हमने। अच्छा अच्छा, और क्या, और इसकी पहले सोयाबीन की बाद में अच्छी जुताई की। अच्छा, उसमें जिंक और पोटास मिलाए जुताई के साथ पूर्ति की, और इसके बाद एक दो स्प्रे और करने पड़े, इसके बाद में ऐसी कोई बात नहीं है, धनिया की खेती अच्छी है, पैदावार भी अच्छी निकल आती है और भाव भी अच्छा मिलता है। हालांकि अपन आज की स्थिति में किसान ने जैसे मसूर बोई है, तो मसूर की खेती लगभग 50% तो नष्ट हो चुकी है। तो अपन देख रहे हैं पंडित जी प्रति ये थोड़ी सी लेट बोई जाती है धनिया, हाँ किसान की प्रति वर्ष मसूर की खेती खत्म हो जा रही है, इस प्रकार तो आना पड़ेगा इन पे। तो आपने चयन किया बहुत अच्छा किया है आज, और आपकी खेती बहुत सभी फसलें अच्छी हैं, आपने सरसों भी लगाई जी, सरसों तो जहाँ में 10 किलो का बीज डालते हैं 10 किलो। अच्छा, इसके बाद में उसमें खरपतवार दवा भी डाली थी, इसमें थोड़ी कम मात्रा में दवाई डाली जाती है। अच्छा अच्छा, लेकिन वो ज़्यादा डालने पर इसकी उपज पैदावार कम हो जाती है उसकी, हाँ इसका सही, इसका वो खरपतवार नाशक बनी नहीं है धनिया के लिए, अपन डलती है डालते हैं। और इसको 25 नवंबर को हमने बोया था। अच्छा, इसके बाद में फिर एक महीने लगभग 3 महीने की हो चुकी है। अच्छा, 3 महीने जी। अच्छा, इसके बाद में और दवा जैसे कोई सफ़ेद रोग आता है, माहू भी आती है, इसकी कीटनाशक दवाएं डालनी पड़ती है। अच्छा, हाँ जब हल्की धनिया होती है जब इसका उपचार, और इसमें एक पाउडर डलता है सल्फर के नाम से आता है, तो सल्फर का उपयोग इसमें बहुत आवश्यक है। अच्छा, हाँ इसकी चमक के लिए, चमक के लिए, वजन के लिए और ग्रोथ के लिए। हाँ, तो आपकी धनिया की मैं तो तारीफ करूँ उतनी कम है, और मैं तो ये कहूँगा कि इसका उत्पादन लगभग सभी फसलों से अच्छा मान के चले। हाँ, लगभग 5 क्विंटल 6 क्विंटल। इसकी रेट भी ठीक रहता है, रेट भी ठीक। अच्छा, तो रेट के हिसाब से किसान को बेनिफिट मिलता है। अच्छा, अपन इसकी बात करें तो ये हार्वेस्टर से या थ्रेसर से कैसे? हार्वेस्टिंग भी हो जाती है। अच्छा अच्छा, तो थ्रेसर से लेबर उसको काटती है, लेबर काट दे तो उसमें नुकसान कम होता है। अच्छा, इसको सुखाने के बाद बढ़िया। तो बहुत अच्छी खेती है किसान भाइयों, और सभी किसान पंडित जी के वीडियो को देखें, पंडित जी के सुझावों को समझें कि पंडित जी हमेशा कम लागत में और अधिक उत्पादन वाली खेती करते हैं, और उनको एक समय का अनुभव अच्छा है। आप देख रहे हो समय समय पर कि सरकार ने दुनिया भर के ऐप चलाए, तो पंडित जी उस ऐपों से भी जुड़े हैं, मौसम की भी जानकारी रखते हैं, कब बारिश होने वाली है, कब पाला आने वाला है, तो पूरा इनको अनुभव रहता है, उस हिसाब से फसलों की देख रेख निगरानी करते रहते हैं। तो हमेशा ये फसलों में इन्हें घाटा नहीं खाया, मैंने देखा है कई वर्षों से, इनको मैं जानता हूँ और इनसे सुझाव भी लेता हूँ।
तो ऐसे किसानों से सभी किसान सीख लें और अच्छा उत्पादन लें। आज इनका मकसद सिर्फ खेती को धंधे के रूप में करना है, जबकि शिक्षक भी हैं, अपनी सेवाएं भी दे रहे हैं समय समय पर, और सेवाओं के साथ कृषि में भी अपनी पूरी सेवा दे रहे हैं समय निकाल करके। तो इतने कम समय होते हुए भी और जो शुद्ध किसान हैं उनसे अच्छी ये खेती कर रहे हैं। तो मैं सभी किसान भाइयों से यही कहूँगा, किसान भाइयों अधिक उत्पादन वाली खेती करें, अधिक फायदे वाली करें, और पंडित जी से सुझाव भी लें। इनके पास आप देख रहे हो कि बहुत सारे एक ग्राउंड में गौशाला का एक प्रोग्राम लगा है, गौशाला बनी है, इनके यहाँ देसी खाद होता है और साथ लगभग गौमूत्र से दवाइयाँ भी बनाते हैं, और आगे इनका एक प्रोडक्शन डल रहा है जैविक खाद वाला, कैंचुए खाद वाला, वो भी आपको आने वाले समय में कैंचुए खाद बना बना करके ये किसानों तक पहुँचाएँगे। जो भी किसान भाई हमारा शहरी क्षेत्र के लोग जो अपने किचन गार्डन में अपने खेतों में साग सब्जियां घर के लिए खेती कर वो चाहें, वो ऐसे किसान वो भी उनके लिए भी जैविक खाद के रूप में कैंचुआ खाद हो चाहे देसी खाद हो, वो इनके यहाँ किट के रूप में दिया जाएगा। कुछ समय बाद इनके यहाँ तैयारी चल रही है। तो किसान भाई हमारे वीडियो को देखते रहें और संपर्क करते रहें, और रासायनिक खेतियों को कम करते हुए जैविक खेतियों की ओर जाएं हमारा मकसद है, और इस मकसद से ही हम आपको वीडियो डाल रहे हैं। तो इस धनिए में इन्हें बहुत कम दवा डालनी है मौसम के हिसाब से, इनने मौसम को देखा कि कब तो साल आने वाला है, तो उस हिसाब से उनने उसका स्प्रे कराया गंधक का। इसके बाद में महू आने से पहले इन्हें हल्की हल्की दवा